गाइस वेलकम इन द न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आज जाने वाला हूँ गौरी शंकर मंदिर, जो कि दिल्ली का बहुत फेमस मंदिर है और ये लगभग 800 साल पुराना मंदिर है। इसका निर्माण लगभग पहले कुछ मराठा साम्राज्य था जब उन्होंने कराया था, उसके बाद जयपुर के सेठ जी थे वहाँ उन्होंने कराया है और इसके अंदर निरंतर फिर उसके बाद विकास इसमें होता रहा है। लेकिन बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। पूरे मंदिर के दर्शन करेंगे और मैंने इसको भी बोला था पवन को, लेकिन ये चाह नहीं रहा है। अभी देखो दिखाता हूँ। तू स्कूल जाना है तेरे को? ये बोल रहा है मुझे स्कूल जाना है, तो अब स्कूल जाना है तो उसका स्कूल का काम है, तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। आज रिजल्ट आया है ना? अच्छा रिजल्ट आने वाला है? अरे वाह, देखो उसका रिजल्ट भी आने वाला है आज। तो भाई इसका तो रिजल्ट आने वाला है, तो इसको रहने दो, मैं ही चलता हूँ और मैं इसके लिए विश भी कर लूँगा कि बढ़िया नंबर से पास भी हो जाए। तो अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो एक काम करता हूँ, पहले नाश्ता कर लेते हैं, मतलब हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं सीधा वहाँ पे। तो मेरे पास आया अभी हलवा आ गया है, तो हलवा खाएंगे और फिर पवन को बाय बाय करेंगे और मैं और आप चल रहे हैं सीधा मंदिर। नाश्ता कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए और फिर चलते हैं सीधा। ये देखो इन लोगों की सैदानियाँ चल रही है, ये तो स्कूल जा रहा है, इसकी सैदानियाँ प्रॉपर चलती रहती है ना। आरती खा रही है हलवा। ये रहे हमारे हनुमान जी, मैं इनको बोल रहा हूँ जय श्री राम और मैं चल रहा हूँ आपके नए सफर पे। तो गाइस देखिए सुबह सुबह के माहौल में लाल किला कितना अच्छा लग रहा है जो कि इसके सामने ही है और मैं गौरी शंकर मंदिर पहुंच गया हूं। ये देखिए ये है गौरी शंकर मंदिर जो कि चांदनी चौक में है और दिल्ली का बहुत ही फेमस मंदिर है। तो आइए चलते हैं अंदर। ये यहां से एंट्री है और यहां से हम ऊपर चलेंगे सीधा। ये ऊपर आ गए, ऊपर आने के बाद सामने मंदिर है शिवलिंग और ये साइड में बना हुआ है, मेरे राइट साइड में ओम बना हुआ है और त्रिशूल रखा हुआ है, ये राइट साइड का एरिया है। और ये मेरे लेफ्ट साइड का एरिया है जहाँ से अगर आप चाहो तो जल भर के भी यहाँ पर मतलब शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। राइट साइड में जाएंगे यहाँ पर भी कुछ प्रतिमाएं बनी है जो मैं भी दिखाता हूँ। पहले ये है मेन मंदिर जहाँ शिवलिंग रखा है और सामने गौरी शंकर मंदिर के दर्शन। ये हमारे जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं हैं जो मैं आपको दर्शन कराए दे रहा हूँ यहाँ से। माता जी ये हमारा राम दरबार, जय श्री राम। ये हमारी शेरवाली माता, जय माता दी। और आगे चलते हैं, ये पीछे जाने का रास्ता है। ये हमारे हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब पीछे चलते हैं, ये पीछे का है बैक साइड एरिया है मंदिर का, यहाँ से चल के हमें पीछे हॉल में जाना है। ये है यहाँ का मेन हॉल, मैं आपको दिखा रहा हूँ फुल व्यू। ये है पीपल का पेड़, ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, यहाँ पर 5 पीपल के पेड़ हैं। ये हमारे महादेव खड़े हैं, जय बाबा भोलेनाथ। ये हमारे नंदी महाराज और यहाँ मैं ले रहा हूँ एक सेल्फी। सेल्फी नहीं है, वीडियो है। सो गाइस अब चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारे कृष्ण भगवान हैं, राधा जी, हरे कृष्णा हरे राधा। ये माता जी की प्रतिमा है हमारी, ये अपने लक्ष्मी और विष्णु जी, ये माता जी और ये हमारे लक्ष्मी और विष्णु जी की अकेले प्रतिमा है।
और अब मुझे मिला था मौका दोबारा तिलक लगवाने का, तो मैं ऐसा मौका कभी छोड़ता नहीं हूँ। 1 तारीख गया था, 8 तारीख आया था। और ये है मेरा फ्रेंड जो यहाँ मुझे मंदिर में मिला, और इसके साथ इसका भी एक फ्रेंड था। और ये है फुल व्यू एक मंदिर का ही, गौरीशंकर मेन मंदिर का। मेरे पीछे देख रहे हो आप शिवलिंग पर लोग जल चढ़ा रहे हैं, तो मैंने भी चढ़ा दिया था और उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि वो हो नहीं पाता दोनों का साथ में। अब चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ से हमें नंदी महाराज के दर्शन कराऊंगा मैं आपको। वो देखिए मेरे सामने छोटे से नंदी महाराज दिख रहे हैं ना, लाइट जल रही है। यहाँ से निकलेंगे, पहले यहाँ पे फ्रेंड कह रहा था उसकी सेल्फी खींच देता हूँ, मेरी कौन खींचेगा। तो अभी चलते हैं उस साइड जो मैंने आपको राइट साइड से दिखाया था। ये देखिए हमारे नंदी महाराज जी बैठे, मैंने आपको सामने से दिखाया था। और ये है पूरा एरिया यहाँ का। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि पूरे जो है यहाँ घूम चुके हम। पीछे मेरे शंकर जी थे, ये आरती हुई थी थोड़ी देर पहले, मेरे आने से पहले हो चुकी थी। और ये है यहाँ का फुल व्यू जो कि मेन मंदिर में लगा हुआ है आगे की साइड में। तो गाइस पूरे मंदिर के लगभग दर्शन हम कर चुके हैं, पूरा मंदिर कंप्लीट हो चुका। और मैं निकलता हूँ अब घर की तरफ। और ये है यहाँ के मंदिर का बाहर का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।